ब्रेक एंड स्प्रिंग सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, नहीं ऐसी बात नहीं है। सो हम आपको सिखाएंगे ब्रेक एंड स्प्रिंग, वो भी किक अप यूज करके। लेट्स गो। नंबर वन आपको करना पड़ेगा, वैसे मैं नाइट में शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक नया एनवायरनमेंट लगे, नई वीडियोस लगे। सो नंबर वन आपको करना पड़ेगा किक अप, क्योंकि किक अप नहीं होगा तो आपकी फ्लिप कैसे पड़ेगी। अगर आपको किक अप ही नहीं आएगी तो आप बैकहैंड इजी नहीं कर पाओगे, मतलब कर सकते हो। सो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा किक अप का प्रॉपर। एंड नंबर टू अब आपको करना पड़ेगा आर्च, क्योंकि अगर आपका आर्च ही सही नहीं रहेगा तो आप किक अप के साथ बैकहैंड स्पिन कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि किक अप और आर्च को यूज करके मैं बैकहैंड स्प्रिंग सिखा रहा हूँ। सो आपका आर्च कंप्लीट होना चाहिए। एंड बात करी जाए किक अप की, सो जब आपको किक अप पड़ता है तो आपके हैंड ऐसे रहते हैं, बट आपको करना पड़ेगा आपके हैंड्स को ज्यादा से पीछे रखना पड़ेगा और ट्राई करना कि सेफ जगह प्रैक्टिस करना जहाँ पे आपको लगे नहीं। यप, तो आपका हैंड ज्यादा पीछे रहेगा एंड जो आप सामने देखते हो ना वो हल्का सा ऊपर देखना, सिंपल सेफ प्लेस पर। मुझे आती है इसलिए मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप नहीं। जो आप किक अप में पीछे जाते हो ना, आपको उसमें हल्का सा एक आर्च ऐड करना है, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चीज हल्की सी कंफ्यूजन है, आपको प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। एंड नंबर थ्री अब क्या करना पड़ेगा, आप किक अप करना है एंड आपको हल्का सा होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके हैंड पावर नहीं है जैसे मेरा भी नहीं है, सो आपको हैंड में पावर बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आपको किक अप करना है एंड उसके बाद आपको स्टॉप हो जाना हल्का सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, पर मैं कर रहा हूं यहां पर मैं किक अप कर रहा हूं एंड किक अप को होल्ड करके एकदम वही होल्ड कर रहा हूं और हैंड बैलेंस ला रहा हूं आर्च की तरह। आर्च, किक अप, हैंड बैलेंस, तीन चीजें समथिंग यूज हो रही है। सो आपको किक अप करते हुए जाना है एंड स्टॉप हो जाना है आर्च में, बस ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? आपको आर्च करना है, मतलब सॉरी आपको किक अप करना है एंड आपको कुछ होल्ड रखना है, एक बैकहैंड वाला फील। आप जो आर्च किक अप में सामने देखते हो ना, सामने तो आपको ऊपर हल्का देखना है, एक बैकहैंड वाला फील लेते हुए। स्टेप नंबर फोर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जंप लेना है एंड जो हैंड बैलेंस आपका बन रहा है आपको ट्राई करना है कि पूरा पीछे फेंक दो। ऑलमोस्ट आपकी बैकहैंड स्प्रिंग हो चुकी है, कि आप कंप्लीटली सीखना स्टार्ट हो चुके हो, यहाँ से आपका डर निकल जाएगा तो आप बैकहैंड, सो आप बैकहैंड इजी मार सकते हो। जब आप कंटिन्यू ट्राई करते रहोगे ना तो आपकी एक ये चीज हो जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किक अप में पूरा पीछे जाओगे ना, हैंड जैसे रखोगे होल्ड रखोगे, बस आपको पीछे धक्का देना है ताकि आपका बैकहैंड हो जाए। ये चीज बहुत इजी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने लेग्स को पीछे फेंकना पड़ेगा, नीज को पीछे फेंकना पड़ेगा ताकि आपका रोटेशन फास्ट हो जाए और पीछे घूम जाओ, ये तो आप फेंकोगे नहीं तो आपकी बॉडी यहीं रुक जाएगी। अगर आप किक अप करने के साथ साथ अपने हैंड्स को पीछे फेंक दोगे जंप के साथ, एंड हो जाएगा। नंबर फाइव पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सिंपली मैं बैठा हूँ, अभी बैठे बैठे बता रहा हूँ ये चीज, बैक हैंड स्प्रिंग बैठने के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको हैंड सामने रखना है, डाउन रखना है, आपको प्रॉपर किक अप वाला फोर्स लेके जाना है, देन आपको हैंड के साथ साथ लेग से भी जंप लेना, सॉरी आपको लेग से ही जंप लेना है बट हैंड को टाइट ऐसा रखना कि आप सपोर्ट में खड़े हो पाओ। यहाँ से बैठे बैठे बैक हैंड जो आप कर रहे हो ना, धीरे धीरे खड़े होना हो जाइए एंड एक्स्ट्रा ऊपर जंप ले लीजिए, हो जाएगा।